भरी सभा में चाचा और चचेरे भाई पर बरस पड़े चिराग पासवान, क्या आरोप बर्दाश्त करेंगे पशुपति पारस। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासत तेज हो गई है, नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी की जनसभा में चिराग पासवान ने अपने चाचा और चचेरे भाई को जमकर सुनाया। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि काफी चर्चा में है। इसी क्रम में एक समस्तीपुर सीट ऐसी है जो कि काफी हॉट सीट मानी जा रही है। बुधवार को सांभवी चौधरी के लिए उच्च विद्यालय कुशेश्वर स्थान के खेल मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी समेत कई कद्दावर नेता मौजूद थे। चिराग पासवान ने चाचा और चचेरे भाई पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस जनसभा में एक बार फिर से चिराग पासवान अपने चाचा और चचेरे भाई पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज पर पार्टी को हाईजैक कर हमें अकेला छोड़ देने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि कुशेश्वर स्थान से मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान का काफी लगाव था। मेरे पिताजी यहाँ कई विकास कार्य किए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अपने पिताजी के अधूरे कार्य को अपनी छोटी बहन सांभवी चौधरी के साथ मिलकर पूरा करूंगा। अब विदेशी ताकत आंख उठाकर नहीं देख सकती सम्राट चौधरी। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज देश को 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री मिला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को कभी मुगलों ने लूटा तो कभी अंग्रेजों ने, भारत को लूटने में गजनवी भी पीछे नहीं रहा। बिहार में भी बनेगा भव्य माँ सीता का मंदिर, सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों तक भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में टेंट में रहे, पर किसी को इसकी चिंता नहीं थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य मंदिर भी बनवाया और उसमें प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की। भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री के शासनकाल में ही मिथिलांचल के सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर भी बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।